और एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है इस बात को वही कहते हैं समझे। इसी बात को शायद जब बीजेपी कहती है कि जितनी भी सरकारी नीतियां हैं वो देश के हर नागरिक के लिए है, वो देश के हर अंतिम व्यक्ति के लिए है, तो अगर वो समुदाय विशेष में चले जाते हैं तो क्या वो गलत क्यों लिया जाए? नहीं कहा मैंने गलत लिया, मैंने तो स्वागत किया। हाँ। मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा उसको, मैंने तो स्वागत किया। अफसोस ये होता है कि मोदी जी जब मंचों पर जाते हैं तो अलग भाषण देते हैं, किंतु इन्हीं मोदी जी की सरकार में इनकी नाक के नीचे दिल्ली में जब धर्म संसदें होती है, जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काटने का आह्वान किया जाता है, जब इनके सांसद खुले मंच से अल्पसंख्यकों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करते हैं, तब मोदी जी क्यों कुछ नहीं बोलते? तब मोदी जी उनको जेल में डालने की बात क्यों नहीं करते? मोदी जी उनके ऊपर गिरफ्तारी का फरमान क्यों नहीं जारी करते? मोदी जी यदि अल्पसंख्यकों के इतने बड़े हमदर्द हैं तो बिल्किस बानो आज न्याय के लिए क्यों दर बदर भटक रही है? जब लाल किले की प्राचीर से मोदी जी महिला सम्मान और सुरक्षा का लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, उसी शाम को गुजरात की सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया। जब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो जाते हैं, जब केवल मंच मिलने पर माइक मिलने पर केवल नौटंकी की जाती है, तब इस तरह के प्रश्न आकर खड़े होते हैं। मोदी जी यदि मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति हमदर्दी रखते हैं तो पहले बिल्किस बानो को न्याय देने का काम करें। पहले देश में हो रही धर्म संसदों से अल्पसंख्यकों के नरसंहार के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि सरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं करती, पुलिस गिरफ्तारी क्यों नहीं करती, ऐसी धर्म संसदें क्यों लगाई जा रही है? उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में इस बात के सीधे सीधे डायरेक्शन दिए हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर ना उगला जाए, उनके बीच जाकर के स्नेह यात्राएं की जाए, बोरा समाज और पसमानदाओं के बीच में जाकर के काम किया जाए। इससे ज्यादा क्लियर कट डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन क्या चाहते हैं आप? नहीं नहीं, मोदी जी ने कहा उनके बीच में जाके काम कीजिए, अच्छी बात है, क्या क्या काम कीजिए, उनके बीच में जाके क्या काम करना है? उनका कत्लेआम करवाना है या उनका आर्थिक बहिष्कार करना है? क्यों इनके सांसद जो पॉलिसी से गवर्नमेंट की, मुझे आप ये बताइए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, क्या वो पॉलिसीज शान खान के पास नहीं पहुंच रही है या सिर्फ सुरेश के पास पहुंच रही है? जी 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 मारूफ भाई, मोदी जी ने अभी अभी जो बजट पेश किया केंद्र सरकार ने, उसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में कटौती कर दी। उसके पहले मौलाना अबुल कलाम स्कॉलरशिप को रोक दिया गया, तो कैसे मान ले कि ये अल्पसंख्यकों के हित में काम करेंगे? अच्छा। जबकि इन्हीं की पार्टी के लोग, इनके अल्पसंख्यक संगठन के लोग दिन भर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर बोते हैं, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट देख लीजिए तो शर्मिंदा हो जाए। और मोदी जी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो महिलाओं को अल्पसंख्यकों को दिन भर गालियां देते हैं, उनका ट्विटर उठाकर देख लो, मोदी जी ने दुनिया भर के लफंगों को फॉलो कर रखा हुआ है। चलिए ठीक है, आता हूं मैं आप पर एक बहुत सधी हुई टिप्पणी चाहता हूं। शमी आगाई मेरे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शमी साहब क्या कहेंगे, ये तीन पार्टियों के तीन नुमाइंदे हैं, जाहिर सी बात है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, अपनी बात को आगे बढ़ाना इनका कर्तव्य है, वो बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं आज के इस दौरे को जो प्रधानमंत्री ने किया बोरा समाज के बीच में, और किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं कार्यकारिणी में दिए गए उनके दिशा निर्देशों को? क्या लगता है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है? वाकई वो कहते कुछ है करते कुछ है, वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यकों का भला हो? सबसे पहले तो मारूफ जी आपको आदाब, और आपके पैनल में जितने भी साथी बैठे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा आपने आज का सब्जेक्ट रखा है जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप दुबे की बात से ही बात को शुरू करना चाहता हूँ। संदीप भाई ने कहा कि मोदी सरकार का जो ध्येय है वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सारी चीजें चरितार्थ होती नहीं दिख रही हैं। मोदी जी इससे पहले भी बोरा समाज के सम्मेलनों में जाते रहे हैं जी। और एक तरफ मोदी जी 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि उनकी कथनी और करनी में साफ जो है इसका परिलक्षित होती है बातें। जैसे आप देखिए कि अभी वर्तमान में 2023 का जो बजट पेश किया गया, किसी भी सरकार में जब कोई बजट पेश किया जाता है तो देश के सभी नागरिकों के ध्यान में रखते हुए उनके विकास के रोड मैप को देश के सामने रखा जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है
कि अल्पसंख्यक समुदाय का जो पिछले साल मोदी सरकार ने बजट रखा था और वर्तमान में जो बजट पेश किया गया उसमें 38% की कटौती कर दी गई। किसी भी समाज के उत्थान के लिए अगर कोई बजट जब सरकार लाती है और उसमें अगर उसकी कटौती होती है तो यह साफ बात जाहिर करती है कि कतनी और कतनी में जो फर्क नजर आ रहा है वो ये है कि 38% बजट कम करने के साथ साथ देश के विकास में मुसलमानों का जो योगदान होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। मोदी जी के कतनियों करने का फर्क ये देखिए कि मोदी जी हमेशा एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप लेने की बात करते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में जो आदमी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, मदरसों की ऐड खत्म कर दी गई, मदरसों को मिलने वाले बच्चों की जो छात्रवृत्ति थी वो खत्म कर दी गई। हम ये देख रहे हैं कि पिछले हज कमेटी का जब सब्सिडी खत्म की गई थी 7,600 करोड़ रुपए की जी। और उस टाइम मोदी सरकार ने एक बड़ा नारा दिया था कि ये सारा पैसा हम मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। आज हमारे संदीप भाई बता दें हमें इस बात को कि कितना पैसा महिलाओं के उत्थान के लिए या हमारी लड़कियों की शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया। दूसरी बात, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आज तक ना तो कोई स्कूल खुला है, ना कोई कॉलेज खुला है, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी है। रामपुर यूनिवर्सिटी का हाल आप देख ही रहे हैं, रामपुर यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से बर्बाद किया गया है इसकी दूसरी मिसाल कोई हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आप ये भी देखिए कि आप जो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं, मुसलमानों के मारकाट की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी मौन है। मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात तो करते हैं लेकिन ये कभी प्रयास नहीं करते कि ऐसे लोगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एक मैसेज जाए। हम हमेशा देश के विकास में अपना योगदान देते रहे हैं लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आज अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदाय अपने आप को ठगा सा महसूस समझ रहा है। और संदीप भाई बता दें, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे अब कि मुस्लिम समाज के विकास के लिए कौन कौन सी योजना है। मई मस्ट्रोन योजना के अंदर जो 50,000 रुपए का लोन मिलता है आज उस पर भी पाबंदी लगी हुई है। एक तरफ आप अडानी को करोड़ों रुपए का लोन दे रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मच चुका है, लेकिन मोदी जी सीधा ठोक के राज्यसभा में कह रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी है। ये अहंकार की भाषा है। इस अहंकार की भाषा से देश को समझना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसको संबोधित कर रहे हैं कि 1,40,00,000 लोगों को मोदी जी कह रहे हैं कि वो सब पे भारी है। भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के सबके विकास सबके रास्ते पे ले जाना है और कोई भी समाज जब तक देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा नहीं करता है, जब तक कोई समाज संगठित होकर विकास के रास्ते पर आगे नहीं जाना चाहता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जो भी किया है उसमें किसी भी तरीके का जो योगदान है, किसी भी तरीके का जो सहयोग है, वो अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं किया, ना आर्थिक तौर पे, ना सामाजिक तौर पे और ना ही सांस्कृतिक तौर पर। संदीप दुबे मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप दुबे क्या कहते हैं? अभी वक्त है मेरे पास, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। सॉरी सर, मैं अभी आऊंगा, मैं आ रहा हूं अभी वापस आऊंगा, वक्त है मेरे पास। संदीप जी क्या कहेंगे? क्या एक तरह हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यकारिणी में बात करते हैं, बुरा समाज में जाते हैं, पसमांदा समाज को लेकर के चिंताएं जताते हैं, बहुत सारे सम्मेलन बनते हैं, बहुत सारे संगठन विदिन द पार्टी बनते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जब तक इकोनॉमिकली आप उस कम्युनिटी को, उस पूरे समुदाय को बेहतर नहीं करेंगे तो विकास किस चीज का विकास? ये मैं बात आपके सामने भी कहने जा रहा था कि 38% अल्पसंख्यक विभाग का जो है, आयोग का जो है, वो बजट कम कर दिया गया, मानो की जो है छात्रवृत्ति वो खत्म कर दी गई, बाकी भी दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स या अल्पसंख्यक, उनके साथ भी यही मामला हो रहा है, स्टूडेंट के साथ भी यही मामला हो रहा है। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? मैं दो बातें कहना चाहूंगा। हाँ, हमारी कांग्रेस की काकी ने जो बातें कही, एक तो सबसे बड़ी बात है कि फूट डालो और राज करो, मुस्लिमों को और हिंदुओं को आपस में लड़ाओ, ये कांग्रेस की पुरानी नीति है, क्योंकि अगर ये दोनों एक हो जाएंगे एक भारत तो मजबूत भारत दिखेगा। दूसरा, मेरे सवाल का मैंने जवाब दे दिया और देखिए आप, अच्छी बात है, हंसी का मौका आपको बराबर मिलता रहेगा। और मैं कहूंगा मैं एक विषय की बात करता हूँ, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, हमारे मुस्लिम स्कॉलर सम्मी भाई ने, देखिए हमने जितनी योजनाएं थी केंद्र की
आप हमसे कहे कि केंद्र की योजनाएं गिनाइए कि क्या क्या चल रहा है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले जितनी योजनाएं 15 सूत्रीय चल रही वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। उस 15 सूत्रीय योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार काम कर रही है। उसमें साफ साफ है अभी एकीकृत बाल विकास सेवाओं योजना चल रही है जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र अल्पसंख्यक समुदाय के बीच खोला गया है और उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग लघु उद्योग से जोड़ा जा रहा है। दूसरा विद्यालय की शिक्षा की उपलब्धता, जो विद्यालय है जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं उसमें सिख है, जैन है, मुस्लिम भाई है, वहां उसको बेहतर करने की व्यवस्था लागू की गई है, उसका भी फंड जाता है। उर्दू शिक्षण के लिए संसाधन मुहैया करा रहे हैं। आपका जब बारी आएगा तो बोलिएगा सन्नी भाई। मदरसा शिक्षा जितना आधुनिकीकरण हो रहा है, एक बात उन्होंने वो बार बार कहे कि कटौती हो रही फंड में, फंड में कटौती नहीं हुई और हमने अधिकार सृजित किया और जितने भी 38% अल्पसंख्यक आयोग के बजट में कटौती कर दी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कटौती नहीं हुई? ने बंद करने का काम किया। दूसरा, गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार योजना की हमने शुरुआत करी। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल कौन रोजगार योजना की शुरुआत करी। आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण सहायता योजना सरकार ने शुरू करी। राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में उनको भर्ती के लिए विशेष योगदान की शुरुआत करी। ग्रामीण आवास योजना में उनको उचित हिस्सेदारी हम लोगों ने प्रदान करी। अल्पसंख्यक समुदाय वाली जो मलिन बस्ती थी जहां महिलाएं काम करती थी उनकी उस स्थिति भी सुधारने के लिए स्पेशल तरीके से नए तरीके से जो उनको संसाधन मुहैया करा के और उनका आधुनिकीकरण करने का प्रयास हुआ। सांप्रदायिक घटनाओं पे बार बार मेरे मित्र हंसते हैं कांग्रेस के लोग की सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सांप्रदायिक आप जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें किसके किसके हाथ है वो लोग जेल के अंदर है, उस विषय पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जरूर बात कहना चाहते कानून है और कानून उनके साथ न्याय कर रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आपको ऐसा अगर लगता है आप दोनों समुदाय के बीच जो मतभेद बांट के और कांग्रेस चाहती कि मुस्लिम वोट बैंक उसको मिल जाए, इसी वजह से मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस के साथ। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये जो मुस्लिम प्रेम है, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। संदीप जी सुनिए, अभी चल रही है अगाड़े की पार्टी समझे जाने वाली बीजेपी अब मुस्लिम के प्रति इतना प्रेम भाव किस लिए? क्या लग रहा है कि उनका जो पुराना जो चिर परिचित वोट बैंक है वो खिसक रहा है, या उनको प्लस करने के लिए मुसलमानों के सबको साथ लेने की सख्त दरकार है, वरना वो प्लस नहीं हो पाएंगे? रजा भाई, जिन्होंने नफरत हिंदू मुसलमानों के बीच जिन्होंने बीज बोया, जिन लोगों ने इसके फसल काटे, जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, आज जरूरत क्या है? आज जरूरत यह है कि जो आरोप लगते हैं वो आरोप निराधार है, गलत है, उसके पीछे का षड्यंत्र देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके पीछे कौन सी पार्टियां थी। आज जब देश आगे बढ़ रहा है, सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात क्यों करना, उसमें भारतीय की बात करना। हम बजट की बात आपने छोड़ दी, अल्पसंख्यक आयोग का बजट 38% कम हो गया, क्यों हो गया बताइए? आप विकास की बात कर रहे हैं, जब जेब में पैसा है नहीं होगा तो आप विकास क्या करेंगे, जबान से लफ्जों से? नहीं रजा भाई, अल्पसंख्यक समुदाय की बजट कम नहीं हुई है, 38% कम हुआ है। आप पिछली बार का उठा के देखिए और इस बार का उठा के देखिए, उसको खत्म करने की सरकार ने कोशिश करी, अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, उनको और समृद्ध और मजबूत करने का काम हुआ, उनको उनका पहुंचाने का काम हुआ, हो रहा है, उनको अंतिम व्यक्ति का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर रही है सरकार, निर्धन लोगों तक पहुंचा रही योजनाओं का लक्ष्य। और कटौती नाम की ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है, राज्य सरकार केंद्र सरकार सब मिलकर काम करती है, वो योजनाएं अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से उनके पास ही, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ विपक्ष जो है जानबूझ के शगुफेबाजी कर रहा है, निशानेबाजी कर रहा है और घेरने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शाम क्या कहेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, दुबे जी ने अच्छा भाषण दिया, मैंने पूरा भाषण सुना, अच्छा भाषण कर लेते हैं वो मोदी जी की तरह, मोदी जी के अनुयायी ये तो भाषण में तो आगे रहेंगे ही, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो मैं दुबे जी को याद कराना चाहता हूँ कि इन्हीं की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सदन में बताया था कि 2 वर्षों में 3400 सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। एनसीआरबी का डाटा जो कहता है वो कहता है कि 2014 में नफरती बयान के मामले लगभग 300 आए थे,
जो 2020 में बढ़कर 1800 हो गए, यानी 6 गुना की वृद्धि हो गई। तो दुबे जी, इन तमाम आंकड़ों पर आप अध्ययन कीजिए, आपके तमाम नेता, आपके तमाम सांसद खुलेआम अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन्हें देशद्रोही बताते हैं।